स्वामी जी, श्रावण मास में जो श्रावणी पर्व मनाते हैं, तो इस श्रावणी पर्व की महत्ता क्या है, क्या महिमा है इसकी? देखो, श्रावणी पर्व के अवसर पर स्वाध्याय करना चाहिए। इसकी महिमा स्वाध्याय से ही है। किसके स्वाध्याय से? वेद के स्वाध्याय से। श्रुति, श्रुति माने वेद। तो श्रुति माने क्या होता है? जिसको सुना जाए, जिसको सुनते हैं वो श्रुति, जिसको सुन सुन के शिष्यों ने सीख लिया गुरुमुख से, जिस विद्या को, ज्ञान को सुन सुन के उन्होंने प्राप्त किया, उसका नाम श्रुति, वो है वेद का ज्ञान। तो श्रावणी पर्व पर वेद के स्वाध्याय करने का विधान है, नियम है। और ये चूँकि ये श्रावण मास में और श्रवण नक्षत्र में आता है, इसकी पूर्णिमा को आता है, इसलिए इसको बोलते हैं श्रावणी पर्व। और पर्व का अर्थ होता है जैसे कि बांस होता है, उसमें गांठ होता है ना जी, गन्ना में, बांस में, वो पर्व होता है संस्कृत में, पोरी, गांठ, वो मजबूत करता है गांस, ये बांस को अथवा गन्ने को, वो जो उसका गांठ है। इसी प्रकार से जो पर्व आते हैं हमारे जीवन में, ये भी आपसी संबंधों को, रिश्तों को, नातों को, प्रेम को, सहयोग को मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं, इसलिए पर्व कहलाते हैं। तो श्रावणी पर्व के दिन क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए। और फिर रोज अब मैं वेद स्वाध्याय करूँगा साल भर तक, इसका संकल्प लेना चाहिए। तो श्रावणी पर्व संकल्प का पर्व है, मैं वेद ज्ञान को प्राप्त करूँगा और कराऊँगा, वेद ज्ञान को खुद अपने अंदर धारण करूँगा और वेद का प्रचार प्रसार करूँगा, यह संकल्प लेने का पर्व है श्रावणी पर्व। और इस दिन यज्ञ करते हैं तो हम पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, कई प्रकार के रोगाणु कीटाणु जो कृषि के लिए, खेती के लिए हानिकारक हैं, उनका विनाश होता है ये श्रावणी में यज्ञ करने से। तो यज्ञ करने का भी विधान है। तो श्रावणी पर्व मनाएंगे तो एक तो ज्ञान को बढ़ाएंगे, हवन करेंगे तो पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, और ऐसे ही फिर जो गुरुजन हैं उनकी सेवा का संकल्प लेंगे तो शुद्ध कर्म होगा, सेवा कर्म होगा, पुण्य कर्म होगा। तो श्रावणी पर्व के आधार पर हम अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएंगे, शुद्ध ज्ञान पाएंगे, हवन करेंगे, सेवा करेंगे, शुद्ध कर्म करेंगे और ईश्वर की उपासना करने का संकल्प लेंगे, क्यों? उससे और ज्ञान मिलता है, ईश्वर से ज्ञान मिलता है, शुद्ध ज्ञान मिलता है। तो श्रावणी के अवसर पर ये संकल्प करें कि मैं जीवन को यज्ञमय बनाऊँगा, वेदमय बनाऊँगा और भक्तिमय बनाऊँगा, तो श्रावणी पर्व का मनाना सार्थक हो सकता है। आज के दिन रक्षाबंधन भी मनाते हैं, आज के दिन में संस्कृत दिवस भी होता है, तो मैं संस्कृत बोलूँगा, आगे संस्कृत सीखूँगा, ये संकल्प करना चाहिए। मेरी बहन की रक्षा करूँगा, मैं समस्त बहनों की रक्षा करूँगा, देश भर की सुरक्षा करूँगा इनकी, ये संकल्प होना चाहिए। ये भी श्रावणी पर्व में आप संकल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बहनों की सुरक्षा करें, जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करें, जो वेद है इसकी सुरक्षा करें, जो हवन है उसकी सुरक्षा करें, ये सब संकल्प लेने का दिवस है श्रावणी का दिवस, श्रावणी का पर्व। और इसके आधार पर हम अपने जीवन में अज्ञान का नाश करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे और सुख शांति आनंद का संचार कर पाएंगे, क्यों? जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख है। तो श्रावणी पर्व जो है वो ज्ञान का पर्व है, तो ज्ञान को बढ़ाएं और सुख शांति आनंद को पाएं, इसका पर्व है श्रावणी का पर्व। यह आपको अति संक्षेप में मैंने बता दिया। ओम श्रम।